दिल्ली के गोविंदपुरी में मंगलवार रात लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने गोविंदपुरी थाने के पास लगाया जाम। 5 साल के बच्चे के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी पर अपहरण के साथ रेप का केस भी दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। देखिए दिल्ली के गोविंदपुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। 5 साल के बच्चे के अपहरण के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी पर अपहरण के साथ साथ 5 साल के बच्चे का रेप करने का केस भी दर्ज करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 5 साल के बच्चे की किडनैपिंग के मामले को लेकर गोविंदपुरी थाने के पास जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। दरअसल 2 दिन पहले 5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। पुलिस ने मंगलवार को बच्चे को बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया था, जबकि लोगों का आरोप था कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी पर पोस्को की धाराएं लगा दी है। और जिस वक्त गोविंदपुरी में यह हंगामा हो रहा था, उस वक्त TV9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा भी वहीं मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 दिन पहले एक 5 साल के बच्चे का अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने उस बच्चे को बरामद किया, लेकिन इलाके के लोगों में खासा गुस्सा था। उनका कहना था कि जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया वो सिर्फ किडनैपिंग का था, जबकि उसमें पॉक्सो भी दर्ज किया जाना चाहिए। और इसके बाद गुस्साए लोगों ने आनंदमयी चौक को जाम किया, बहुत ज्यादा हंगामा किया, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। इलाके के पार्षद और तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया। अर्धसैनिक बलों ने लोगों का गुस्सा शांत कराया और उसके बाद उन लोगों को घर भेजा। इस पूरे मामले में जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन है वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है कि किस तरीके से 2 दिन पहले जो 5 साल का एक लड़का था उसको किडनैप किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और आरोप भी लगाया जा रहा है कि उस बच्चे की हत्या करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अब बच्चे को बरामद कर लिया गया और उसके बाद इलाके के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने जो इस पूरे मामले का आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है।